जय हिंद, जय भारत। मैं राम कुमार, आपका अपने परिवार क्लब राम कुमार में आप सब भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चे, तो अभ्यास प्रश्नावली 5.6 का जो अपना 24वां सवाल, वो 25 बच्चे आपकी कमेंट के अनुसार कि ये गलत सवाल हो गया, आंसर नहीं मिल रहा, तो इसको मैं दोबारा हल करने के लिए आया। उसमें सपन से गलती क्या हुई वो समझते हैं, ठीक है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके भी 70 में 70 नंबर आए, तो मेरे साथ जुड़े रहें, ठीक है। सब कुछ आसान है। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए अपन ने एक गलती की। सबसे पहले तो इसमें से देखो सम में क्या है, एक्स ध्रुवीय, एक्स ध्रुवीय, एक्स ध्रुवीय। तो सबसे पहली गलती करी अपन ने कि इसमें कॉमन लेना था। अपन को जो कॉमन मिल रहा उसे तो अपन कॉमन ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। 6 इसमें भी इस ध्रुवीय, तो 6x² सबसे छोटा स्क्वायर दिया, तो 6x² लेंगे, 6 का भाग देंगे तो एक बार जाएगा, और 4x² थी, 1x² आ गई, तो क्या बचा, 1x² माइनस 4 का भाग देंगे, 4×6=24। अब इधर कितने थे, xq था, x² आ गया, तो क्या बचा, x, और क्या बचा, y³ प्लस 6 का भाग देंगे, 6×6=24, x² पूरा चला गया, तो y³ कितना बचा, 6। अब जो अपना सवाल है, लोगों इतना सा करना था आपको, क्या करना था, इसमें से 6x² कॉमन मिल लेना था, क्योंकि 6 भी कॉमन मिल रहा था और x² भी कॉमन मिल रहा था, ताकि उस सब में x था, इसलिए जैसे हमने कॉमन लिया तो सर 2 बचे x², तो 6×6=24 और x और y³ बचा, प्लस 6×6=24, 4x² पूरा चला गया, तो y³ 6 बना। जैसे लिखेंगे 6x², इसे क्या लिख सकता हूँ मैं, x² का होल स्क्वायर माइनस, प्लस इसे क्या लिख सकता हूँ मैं, 2y, देखो 2×4 का वर्ग कितना होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, y³ का मैं क्या लिखूँगा, होल स्क्वायर, 3×2 कितनी हो जाएगी, 6, फिर माइनस के 2, ये का मान कितना दिया है x, और y का मान क्या दिया अपना आपको, 2y³। तो देखो 2×2=4, 1x आया, y³ 3 है, भाई साहब सवाल बन गया अपना, क्या बन गया सवाल, बन गया क्या, बन गया सवाल। तो अपन क्या लिख सकते इसे, 6x² कोष्ट में क्या लिखेंगे, x माइनस के 2y³ होल स्क्वायर। ये अपना बच्चा परम सत्य आंसर है, ये बच्चा क्या सवाल का बच्चा परम सत्य आंसर है, क्योंकि ये और माइनस बी का होल स्क्वायर जो क्या बनेगा अपना सूत्र बनेगा। इस प्रकार से इसको हल करना, तो इसी प्रकार से इसे भी हल करना है। इसमें से क्या मिल रहा अपन को बच्चा, सबसे पहले देखना अपन को तीनों में, देखो सबसे पहले 5 कौन मिल रहा, ए इधर भी, ए इधर भी, इधर तो 5 ए, और बी इधर भी, बी इधर, इधर तो क्या ले लेंगे, 5ab, 5 का भाग दें, 5×9=45, बी से बी कट गया, 3 ए में से 1 आ गया, तो ए स्क्वायर माइनस, इसको पहले लिखेंगे सूत्र बनेगा इसलिए माइनस, तो 5×6=30, 5×6=30, ए बी का आ गया, तो सिर्फ बचेगा ए और बी, क्योंकि ए स्क्वायर था तो ए बचेगा, और बी स्क्वायर में से बी आ गया तो बी बचेगा, प्लस 5 पूरे चला गया, ए पूरे चला गया, 3b में से 1b आ गया, तो क्या बचेगा, b², ठीक है। मैंने जे माइनस के 30 से लिखा, क्योंकि फॉर्मूला बना सकूँ, 6 बचा, कितना बचा बच्चा, 6 बचे हैं, इधर लिख लो ना, भूल जाओ, 6ab बचा, ठीक है बच्चा, क्यों बचा, क्यों मैंने इसे लिख लिया, जिससे कि फॉर्मूला बनाने में आसानी हो। तो इसे लिखेंगे 5ab, देखो इसे लिखेंगे बड़ा कोष्ठक 3a का होल स्क्वायर, क्यों, 3 का वर्ग 9 होगा और 1 का a² हो जाएगा, माइनस का चिन्ह, प्लस ये क्या लिखेंगे, b का होल स्क्वायर, फिर क्या होता है, 2a का मान कितना है, 3a, b का मान कितना है, b का मान कितना, b a, तो 3×2=6 और a और b, 3×2=6 और ये भी शिल्पा के रिसर आप पेन सही क्यों नहीं ले लेते बच्चा, बस गर्मी इतनी है कि बच्चा लिखता हूँ तो पसीने से क्या हो जाता है, कागज गीला हो जाए, जिससे कि पेन चलता नहीं है थोड़ा सा अच्छा, और कोई दिक्कत नहीं, कोई पेन ले जेल ले आऊँगा तो वो फैलेगा अच्छे, इसलिए तो इसे लिखेंगे 5ab। अब देखो जो दोनों, देखो 3×2=6 ए बी बन गया, तो सूत्र किसका बन गया, 3a - b² होल स्क्वायर। आशा करता हूँ आपको ये दोनों प्रश्न समझ में आएगा, अपन ने गलती कहाँ की थी, अपन को सिर्फ कॉमन लेना था, बस वो कॉमन नहीं लिया अपन ने, जल्दबाजी में भावनाओं बेगा सल्पा के, ठीक है। तो आप सब से हम विदा लेते हैं, ठीक है, अच्छे से प्रश्न हल करें, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।